अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूबी, कभी किम, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। अभिनव, आज तुम भले ही रूबी से सगाई तो कर लोगे, लेकिन उससे शादी करने के लिए तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। आ जाओ, बंद करो, बंद करो। सिर्फ एक स्क्रू पे झूमर टिका हुआ है और उसे भी मैं ढीला कर दिया हूँ। एक स्क्रू पे भला कब तक टिकेगा 80 किलो का झूमर? एक घंटा, दो घंटा, अरे ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा, उसके बाद। बहुत बढ़िया, लेकिन एक मिनट, जहाँ पर झूमर है और जहाँ लड़का लड़की की सगाई होगी, ये ठीक ऊपर नीचे है ना? हाँ बिल्कुल नीचे ही, ऊपर नीचे। खुश रहो। दामाद जी, ये आपके लिए हमारी तरफ से। थैंक यू। कलंदी यहाँ? तुम नहीं सुधरोगी कलंदी। इसका मतलब कलंदी, तुमने ही इस झूमर के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, और अगर ये झूमर का वोल्ट नीचे आ गया है तो झूमर किसी भी पल नीचे गिरने वाला होगा। सॉरी कलंदी, लेकिन आजकल मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं और तुम्हारे बुरे। वरदान, एक फैमिली फोटो होनी चाहिए, नहीं? हाँ बिल्कुल। तुम भी आओ ना, तुम्हारे बगैर तस्वीर कहाँ पूरी होगी? हम दुलारी को बुला लेंगे, वो खींच लेगी। अरे माँ कोई बात नहीं, ये फोटो मैं ले लेता हूँ, अगली फोटो वरुण ले लेगा। एक काम करता हूँ,
वरदान तो जाकर सीधा झूमर के नीचे बैठ गया। नहीं नहीं नहीं, अगर वरदान मर गया तो ये दौलत पाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अरे कबीर, तुम भी थोड़ा स्माइल कर लो। वरुण, पापा हम तो कपड़े बदलने गए थे, आप तो हमारे बिना ही फोटो खींच रहे हो। मीठी के बिना कभी फोटो हो सकती है कोई? चलो जाओ मम्मी के पास खड़े हैं। Very nice. एक मिनट, वो कान्हा जी की मुरली का पंख गिर गया है, हम लगा कर आते हैं। रोबी, ये कैसी आवाज थी? कुछ गिरने की आवाज थी क्या? झूमर गिर गया कबीर, भैया बाल बाल बचे, भाभी ने उनको बचाया। तुम दोनों ठीक हो? क्या हुआ वरदान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बहुत जोर से आवाज आई थी, सब ठीक है ना? वरदान जी आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे बाप रे, झूमर अगर साले साहब के ऊपर गिर जाता तो? लेकिन ये झूमर गिर कैसे गया? लेकिन एक मिनट, ये अपना आवाज आज बच कैसे गया? कहीं उसे पहले से तो नहीं पता था कि झूमर गिरने वाला है? लेकिन कैसे पता हो सकता है, वो तो अंधा है।
कहीं। इस वक्त कौन है? कहीं किसी को झूमर गिरने के लिए शक मुझ पर तो नहीं हो गया? कालू, हे कालू, कांग्रेचुलेशंस टू मी। मुबारकबाद नहीं दोगी क्या? तिवारी परिवार का घर जमाई बनने जा रहा हूं मैं। अब इस आलीशान घर में सुकून से ऐयाशी होगी, करोड़ों में खेलूंगा। सेलिब्रेशन तो बनता है नहीं गालू? अरे कालू, तुम दुनिया में सबको उल्लू बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। तुम भूल गई कि मैं तुमसे ज्यादा चलाक हूं। अरे कालू, कैसी बात कर रही है कालू? अभिनव, लेकिन अभिनव तुम इतने भी चालाक नहीं हो, समझे? और मुझे शक तो पहले से ही था तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हें पता है अब तुम मेरे साथ कोई चाल नहीं चल सकते। अब तुम मेरे साथ कोई चाल नहीं चल सकते हो। क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी? मेरी सच्चाई सबके सामने लाएगी, हाँ, लेकिन उससे पहले ही अपनी बेहोशी का नाटक खत्म करना होगा तुझे। और एक बात ध्यान से सुन ले गांधी, अगर मैं डूबा ना तो तुझे साथ में लेकर डूबूंगा, समझी? गलती से भी अगर मेरी सच्चाई की भनक किसी को भी लगी तो तेरा कच्चा चिट्ठा ना सबके सामने रख दूंगा। एक बात समझ ले, इस खेल में मेरी जीत हुई है और तेरी हार, समझे? एक दो दिन में ही बीमारी का नाटक खत्म कर और कोलकाता निकल जा, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। अब देखना अभिनव, मैं उस मजबूरी को ही खत्म कर दूंगी जिसके कारण ये घर वाले तुम्हें दामाद बनाने के लिए तैयार हुए हैं।
हाँ कीर्ति। हेलो आकाश, क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये ट्रानेजोलिक एसिड, ये दवाई किस काम में आती है? इस दवाई का इस्तेमाल तो ब्लड में क्लॉट्स पैदा करने के लिए किया जाता है, खून जमाने के लिए। और अगर इसे ज्यादा मात्रा में किसी को दे दिया जाए तो क्या कुछ खतरनाक हो सकता है? हाँ, अगर किसी को ट्रांजोलिक एसिड ज्यादा मात्रा में देंगे तो उसके ब्लड में क्लॉट्स पैदा होंगे और उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है और फिर उसकी मौत हो सकती है। लेकिन केतकी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो आकाश, हमें ये ट्रानेजोलिक एसिड का वायल कालिंदी के कमरे में मिला। तुमने बताया था ना मुझे कि कालिंदी ने स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे और बेहोश होके फर्श पे गिर पड़ी थी, तो उसे कहीं चोट लगी थी? कहीं ब्लीडिंग वगैरह हुई थी क्या? हाँ, उसके सिर पर चोट आई थी जिससे खून आ रहा था और डॉक्टर ने ड्रेसिंग की तो ठीक हो गया। लेकिन आकाश, इन सब का इस दवाई से क्या लेना देना? जब भी किसी पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो कई बार डॉक्टर उसे ट्रांजोलिक एसिड का डोज देते हैं। हो सकता है जो डॉक्टर कालिंदी के इलाज के लिए आया हो उसने उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए ये दवाई दी हो, उसी का वायल तुम्हें मिला हो शायद। अच्छा केतकी, मुझे एक पेशेंट का कॉल आ रहा है बार बार, मैं उसे जरा बात कर लेता हूँ। आकाश को वो शक क्यों नहीं हो रहा है जो जो हमारे मन में चल रहे? गौरव की मौत भी तो हार्ट अटैक से हुई थी और इस दवाई का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से किसी को भी हार्ट अटैक लाया जा सकता है। और इस दवाई के शीशी का कालिंदी के कमरे में मिलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव की मौत के पीछे कालिंदी जिम्मेदार हो? बहुत दुख झेले हैं हमारी रूबी ने, और अगर उन दुखों का कारण तुम हुई तो हम कसम खाते हैं कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाकर रहेंगे। वैसे तो वरदान और सारे घर वालों को यही लगता है कि मैं चलने फिरने बोलने खाने पीने किसी के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये केतकी को शक होना ये ठीक बात नहीं है। और ये आदर्शवादी बहू पता नहीं कब क्या कर बैठे। नहीं नहीं नहीं, जब हर पल सतर्क रहना होगा। माँ, गौरव की मौत एक हादसा नहीं है, उसकी हत्या हुई है। ये क्या कह रहे हो तुम केतकी? कौन कौन मार सकता है उसे? हमें लगता है यही काम प्रधान जी के मेहमान का है। सवाल ही पैदा नहीं होता है, जो लड़की चलने फिरने की हालत में ही नहीं है तुम उस पर हत्या का इल्जाम लगा रही हो। और इस घर में पहले ही इतना कुछ हो चुका है और तुम्हारी सुई अब भी उस कालिंदी पर अटकी हुई है। अब तो वरदान ने छोड़ दिया ना उसे, और प्रभु राम जी उसे उसके किए की सजा पहले ही दे चुके हैं, और तुम हो
कि नए आरोप लगा रही हो उस पर? वो सब तो दूर की बात है, लेकिन कालिंदी एक मर्डरर, इतना तो मैं कालिंदी को जानता हूँ, वो इतनी भी गलत नहीं हो सकती। लेकिन केतकी कहना क्या चाह रही, एक बार सुन तो लीजिए सब लोग। बताओ केतकी, तुम्हें क्यों लगता है कि कालिंदी इसके पीछे है? क्या दुश्मनी हो सकती कालिंदी गौरव से, और क्या फायदा होता कालिंदी का गौरव को मार के? माँ सिर्फ उसी का तो फायदा है, वो अच्छी तरीके से जानती थी कि सगाई वाले दिन जब तक गौरव घर नहीं आ जाता तब तक हम रूबी के माँ बनने वाली सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देते। तो हो सकता है कि उसने ऐसा सोचा हो कि अगर गौरव को ही रास्ते से हटा देंगे तो हम ये सच्चाई कभी किसी के सामने ला ही नहीं पाएंगे, और फिर उसकी सगाई वरदान जी से हो जाएगी। लेकिन वो सिर्फ मुझसे सगाई करने के लिए किसी की जान थोड़ी ना ले लेगी केतकी। देखो हम सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लेकिन वरदान, अब इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगा आगे। हमें एक बार गौरव की मौत के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए, हमें तो एक बार पुलिस। किसी को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है रपट लिखाने के लिए। जिस घर में पुलिस का आना जाना लगा रहेगा क्या इज्जत रह जाएगी उस परिवार की समाज में? और तुम लोगों की जो पीढ़ी है ना वो घर की इज्जत की परवाह ही नहीं करती। लेकिन दादी एक बार ने सुना नहीं वरदान ने क्या कहा? अब इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। दादी चलिए आपको दवाई देते हैं, आइए। बेटा केतकी, वरदान जब इतने भरोसे से कह रहा है तो सही होगा। तुम इस विचार को दोबारा अपने मन में आने मत दो, भूल जाओ बेटा। हम तो भूल जाएंगे माँ, लेकिन क्या कभी रूबी अपने प्यार को भूल पाएगी? हमने रूबी को वचन दिया था कि हम सिर्फ भाभी नहीं, भाभी माँ बनकर उसकी रक्षा करेंगे, और अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय दिलाने का कर्तव्य हमारा है। हे राम जी, हमें शक्ति देना कि हम बिना किसी के साथ के अकेले इस लड़ाई को लड़ पाए। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।